आप देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बिदियात से है, जहां आज रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित मकराना रिको एरिया मार्बल एसोसिएशन के कार्यालय में रॉयल्टी रिबेट खाता व्यवस्था को खत्म करने के उपलक्ष्य में खनिज विभाग के अधिकारियों का एसोसिएशन के अध्यक्ष भागुराम आंवला के नेतृत्व में स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में बाहर से आने वाले मकराना मार्बल श्रेणी से भिन्न खनिज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ग्रीन आदि पर रॉयल्टी खाता व्यवस्था थी, जिसको बंद करने की मांग मकराना रिको एरिया मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष आंवला ने खनिज विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए उठाई थी, जिस पर आज खनिज अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने खादा पद्धति को बंद करने का निर्णय लिखित रूप से आंवला को सौंपा। आपको बता दें कि खादा पद्धति बंद होने से व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर खनिज अभियंता पुरोहित, माइंस फोरमैन नवदीप परिहार, कार्यालय सहायक दामोदर लाल व नरपत सिंह का मकराना रिको मार्बल एसोसिएशन द्वारा माल्यार्पण कर व सांपा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। खनिज अधिकारियों को समस्या को समझाते हुए समस्या का समाधान करवाने पर अध्यक्ष आंवला का भी कार्यकारिणी व खनिज अभियंता द्वारा सांपा पहनाकर सम्मान किया गया। इसके पश्चात एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास शुल्क को लेकर पुनः विचार किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य सुधीर यादव ने पावर समस्या से भी अवगत कराया कि 35 केवी जीएसएस पर विद्युत भार अधिक होने के कारण बार बार विद्युत अवरुद्ध होने से प्लांटों पर मोटरें जलने से नुकसान हो रहा है, जिसके संदर्भ में अध्यक्ष आंवला ने रिको व विद्युत विभाग से पत्राचार करके सुधार करवाने हेतु प्रयास करने की बात कही। इस दौरान ब्रजमोहन पाठड़, धर्मदत्त गर्ग, नंदकिशोर आंवला, ब्रजमोहन लड्डा, गिरधारी लाल मुंदलिया, कैलाश टाक, हुक्माराम परमाराम, कमल लड्डा, सुधीर यादव, जगदीश स्वामी, रामदीन गेट, रमेश जाजू, हनुमान डूडी सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। विद्यास से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज़।